गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुओं के सम्मान में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में आर्यनगर कोहका भिलाई स्थित श्री श्री महाकाली दरबार दस महाविद्या मंदिर परिसर में मंदिर समिति द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां गुरु पूजन पूरी विधि विधान से किया गया एवं उपस्थित शिष्यों ने गुरु का आशीर्वाद लिया। आर्यनगर कोहका भिलाई में श्री 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 महाकाली दरबार दस महाविद्या मंदिर में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में झारखंड से पधारे गुरु अघोरी पवनानंद नाथ का पूजन कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस दौरान गुरु का चरण वंदन व पूजन करने वालों ने गुरु पवनानंद से दीक्षा भी ग्रहण की। मान्यता है कि सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु दीक्षा लेकर अपने गुरु को अपने जीवन में आत्मसात किया जाता है, और जीवन में यदि गुरु ना हो तो यह जीवन बिना माझी के नाव की तरह डगमगाती रहती है और एक दिन डूब जाती है। गुरु उस माझी की तरह होता है जो आपकी डगमगाती जीवन की नैया को अपने ज्ञान के पतवार से भवसागर पार करा देता है। गुरु पवनानंद ने इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह दिन वेदों में रचयिता वेद व्यास के अवतरण दिवस पर मनाया जाता है, और इनको मानने का उद्देश्य समाज के सभी वर्ग के लोगों को एक सूत्र में बांधना है। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष आदर्श कुमार मिश्रा जी ने इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर जानकारी दी। गुरु पूर्णिमा हमारे सभी वेद ग्रंथों के रचयिता वेद व्यास जी के अवतरण दिवस पर एक गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा एक समाज को बांधने का, एक समाज को समान रूप से स्थापित करने का, जाति धर्म वर्ण सबको एक तरह से संयोजित करने का, समावेश करने का दिन होता है। हर धर्म में गुरु होते हैं, और अज्ञानता को मिटा करके, भेदभाव को मिटा करके, जाति भेद को मिटा करके मानव धर्म की स्थापना करना ही किसी भी धर्म संप्रदाय के गुरुओं का मूल उद्देश्य होता है। अपना भी श्री श्री महाकाली दरबार दस महाविद्या शक्तिपीठ भिलाई का उद्देश्य भी यही है कि समाज के सभी वर्गों को एक व्यवस्थित तरीका से एक साथ जोड़ करके चलने का उद्देश्य देना है कि संसार में मानव मात्र ही एकमात्र धर्म है। देखिए, ऐसा है, आज का दिन तो पूरे विश्व में सबसे विशेष दिन के तौर पे जो माना जाता है, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु जिसके बिना इस प्रकृति, इस धरातल की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, मानव मात्र की कल्पना बिना गुरु के नहीं की जा सकती। और ये हम मंदिर वालों का और इन भिलाई वासियों का सबका एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि इसी साल बसंत पंचमी 5 फरवरी के दिन श्री श्री महाकाली दरबार दस महाविद्या शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। एक प्रकार से यह अघोर साधना पीठ है, जिसके हमारे गुरु जो हैं श्री अघोरी श्री पवनानंद नाथ जी, उनके सानिध्य में ही हम सारे लोग यहाँ चलते हैं। उनकी ही प्रेरणा से, उनके ही दिए विश्वास से इतना सुंदर ये माई का दरबार का निर्माण हो पाया है। ये अभूतपूर्व एक सौगात है सभी के लिए, और उसमें आज हम सबका सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि आज पहली गुरु पूर्णिमा इस मंदिर की पड़ रही है, जिसमें स्वयं गुरु अघोरी पवनानंद नाथ जी यहाँ उपस्थित हैं। अब कुछ ही देर में उनके श्रीमुख से और प्रवचन आरंभ होगा, गुरुवाणी के रूप में सबको कुछ अमृत सा प्राप्त होगा। उसके बाद कुछ शिष्य हैं जो गुरु से जुड़ करके और दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो आज उनकी दीक्षा का भी कार्यक्रम है। ये गुरु पूर्णिमा की विशेष महत्ता है जो आज सबको प्राप्ति हो रही है। मंदिर समिति द्वारा इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण व भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जिसमें गुरु शिष्यों के अलावा श्री श्री महाकाली दरबार मंदिर में पधारे अन्य श्रद्धालुओं ने भी भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।